अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हमेशा अपनी खास हिफ्ज़-ओ-अमान में, खास हिफाजत में रखे, बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखे और हमें हमारे प्यारों के साथ हमारे घरों में हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। हमारी हर जायज़ दुआ को अपनी बारगाह रहमत में करे कबूल, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस अच्छी सी दुआ के साथ, इस अच्छी सी बात के साथ करती हूँ आज की रेसिपी का आगाज़। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आज बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ शेयर। यह है बकरीद स्पेशल बीफ कढ़ाई, बीफ कोयला कढ़ाई। इसके अंदर क्या क्या जाएगा, ये कैसे बनेगी, ये जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं करती हूँ अपनी रेसिपी का आगाज़। मैंने कढ़ाई में डाल लिया था तेल और ये एक कप तेल डाला था मैंने। एक कप तेल डालने के बाद जो है मैंने इसके अंदर डाल लिया था बीफ, ये हाफ़ के जी बीफ है। और बीफ डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कमियां ज़्यादा कर सकते हैं आप। और अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं कुछ जो है वो चॉप ग्रीन चिलीज़, ये बड़ी वाली हरी मिर्चें थी, और कोई मसाला नहीं जाएगा। हरी मिर्चों के साथ जो है हमने इसको थोड़ी देर भूनना है, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने भूना था ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर जो है वो बीफ में आ जाए, बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें अदरक लहसुन, 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन के डाले थे। और अदरक लहसुन के साथ मैंने इसको किया 2 मिनट तक भून लिया ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन हो जाए दूर। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होगा तो मैंने इसमें डालने रहे हैं टमाटर। मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, 3 से 4 टमाटर जाते हैं इसमें, इससे ज़्यादा टमाटर मत लीजिएगा नहीं तो वो टमाटर गोश्त का फ्लेवर देता है। 1/2 किलो बीफ के लिए इतनी क्वान्टिटी बहुत है। और इसके साथ रख दिया है मैंने हरी मिर्चों को ताकि हमारे टमाटरों के साथ भी जो है वो हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए। बीफ में तो आ चुका था, पानी नहीं डाला था मैंने, 5 मिनट के लिए किया था कवर कि हमारे टमाटर जो हैं वो आराम से टेस्ट ले लें, सारा फ्लेवर ले लें। और बड़ा ज़बरदस्त जो है अरोमा आ रहा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ये कितने मज़े की, कितनी लजीज कढ़ाई बनेगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। पानी मैं क्यों डाल रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। पानी डालने से क्या होगा कि हमारे जो टमाटरों का छिलका है वो बड़ा ईजिली रिमूव हो जाएगा। अब इसको मैं कर दूँगी अच्छे से मिक्स पानी डालने के बाद, और 10 मिनट के लिए रख दूँगी मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब 10 मिनट बाद जब मैं इसका कवर उठाऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे टमाटर जो हैं वो कितनी, उनकी पोजिशन क्या है और कितनी इजीली उनका जो है छिलका रिमूव हो जाएगा। छिलकों के साथ बिल्कुल भी मज़े का फ्लेवर नहीं आता है कढ़ाई में। हमने सारे छिलके इस तरह उतार लेने हैं, देखें कितना इजीली ये रिमूव हो रहे हैं। अब छिलके उतारने के बाद इनको मैं अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। ये देखें अब ये इजीली हमारे सारे मसाले में मिक्स हो जाएंगे हमारे बीफ के साथ। अब मैं इसको कर दूँगी कवर। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। 5 मिनट बाद देखें आप, टमाटरों का ये अपना ही पानी है जिसमें ये बीफ पक रहा है, मैंने अभी कोई भी पानी नहीं डाला। और आप भी बिल्कुल सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो कीजिएगा ताकि बेहतरीन रिजल्ट्स आएँ। वीडियो को पूरा देखा करें, बहुत मेहनत लगती है हमारी वीडियो बनाने में। अब मैं इस वक्त चेक कर रही हूँ कि मुझे कितना पानी डालना चाहिए कि जिसमें मेरा गोश्त जो ये बीफ है ये बेहतरीन डन हो जाएगा। तो तकरीबन 1 गिलास की ज़रूरत थी मुझे, मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल के मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स और 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। और अभी तक मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाल रहे। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने कोई मसाले क्यों नहीं डाले, तो मसाले मैं ज़रा लेट डालती हूँ ताकि उनका फ्लेवर जरा वो बरकरार रहे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और ये सारे मसाले डाल के, और ये मैंने डाले था थोड़ा सा, बिल्कुल मैंने लिए थे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी डाले थे मैंने। मसाले कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बहुत तीखे खाता है हमारे घर, तीखे खाए जाते हैं मसाले, तो मैंने ज़रा तेज़ रखा था। और ये मेरा होममेड कढ़ाई मसाला है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का ये मसाला बनता है। और सारा मसाला वगैरह डाल के हमने इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल डन हो चुका है हमारा बीफ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को जो है आप लोग ऑल नोटिफिकेशन के साथ जो है सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर चीज़ का आप लोगों को पता चले, पूरी तरीके से आप लोगों की सपोर्ट मिले। अब मैं इसको कर दूँगी कवर, और सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए किया था इसको कवर। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा खाई जाती हैं और ये बीफ कढ़ाई में और मटन कढ़ाई में बहुत मज़े की लगती हैं।
अब इसको मैंने कर दिया है कवर। अब कवर मैं इसका उठाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल डन हो चुकी है हमारी कढ़ाई। बस अब इसमें जाना है कोयले का दम। अब मैंने रख दिया था दूसरे चूल्हे पे कोयले को जो है दहकने के लिए। माशाल्लाह कोयला बिल्कुल दहक चुका है। अब मैं इसको एक दफ़ा सारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको दूँगी कोयले का दम। अब मैंने ब्रेड का जो है हाफ स्लाइस लिया है और उसको मैं रख दूँगी यहाँ पर। ये मैंने रख दिया है, आप लोग जैसे देख रहे हैं। अब रख दिया है मैंने कोयला यानी कि चारकोल। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के, और जैसे ही मैं ऑयल के ड्रॉप्स डालूँगी ये धुआं उठने लगेगा और मैं इसको कवर कर दूँगी। बस आप लोग रेडी हो जाइए, फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह लजीज और मज़ेदार टेम्पटिंग सी बीफ कोयला कढ़ाई आप लोगों के सामने हाजिर है, घर के मसालों से बनी हुई। ये जितनी लजीज मज़ेदार ये देखने में लग रही है, यकीन मानिए माशाल्लाह से उतनी ही ये मज़े की बनी भी थी। जब आप लोग इसको बनाएंगे और अपने प्यारों को खिलाएंगे तो दांत पाए बगैर ना रह सकेंगे। माशाल्लाह मेरी फैमिली ने तो बहुत अप्रिशिएट किया था मेरी जब मैंने बना के उनको खिलाया तो उन्होंने बहुत पसंद किया, मेरी इस काविश को बहुत सराहा और हमेशा की तरह उन्होंने बोला बहुत मज़ा आ गया हमें अम्मी आपके हाथ की कढ़ाई खा के, और हस्बैंड ने कहा बेगम आपके हाथ की कढ़ाई खा के। तो आप लोगों ने इसको बनाना है बड़ी ईद पर, और पानी है अपने प्यारों की दाद, रखना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी हर रेसिपी की तरह मेरे प्यारों को मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, रेसिपी कार्ड भी वहाँ पर मैंशन है। ये सब कुछ आप लोग की सहूलत के लिए है। अब मैं जाती हूँ, मुझे रखना है आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद, मेरी दुआओं में रहते हैं आप लोग शामिल। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।